वनडे वर्ल्ड कप खत्म हुए करीब एक महीना होने वाला है, हार का जख्म अभी भी भरा नहीं है, मगर अब वक्त है आगे बढ़ने का। अगले साल जून में फिर एक वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, जिसकी तैयारी या कहें काउंटडाउन भी चालू हो गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज से शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के साथ ही टीम इंडिया का मिशन T20 वर्ल्ड कप भी चालू हो जाएगा। तैयारी के लिहाज से सिर्फ 6 मैच हैं टीम इंडिया के पास, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 3 अफगानिस्तान के खिलाफ। ऐसे में टीम को उन 15 खिलाड़ियों को तैयार करना होगा जो आपको जून में खेलते हुए दिखाई दें। लेकिन फिलहाल टीम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि T20 वर्ल्ड कप में टीम का कप्तान कौन होगा। वर्ल्ड कप में कप्तानी को लेकर BCCI के सेक्रेटरी जय शाह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हमें इस वक्त कप्तानी को लेकर क्लैरिटी क्यों चाहिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 जून में खेला जाना है, वर्ल्ड कप से पहले IPL खेला जाना है और IPL से पहले जनवरी में अफगानिस्तान सीरीज खेली जाएगी। हम जो भी फैसला लेंगे इंडियन क्रिकेट के लिए सही फैसला होगा। जय शाह के इस बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि BCCI कप्तानी को लेकर रोहित हार्दिक पर कंफर्म नहीं है। बोर्ड T20 सीरीज और उसके बाद IPL में प्रदर्शन को देखते हुए ही शायद अपना फैसला लेना मुनासिब समझेगा। रोहित ने 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। वहीं हार्दिक की फिटनेस फिलहाल एक परेशानी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बोर्ड कप्तानी को लेकर क्या रुख अपनाता है और क्या बड़ा फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।